ओम शांति 8/5/2021 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ, कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। प्रश्न, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? उत्तर, अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती, मुझे अपनी कर्मेंद्रियां वश में करनी है, बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रिय से विकर्म मत करो, माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज हैं, इसलिए अपनी संभाल करो। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलना है। दूसरा, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो, अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। वरदान, देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है, यह अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। स्लोगन, क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि सागर में गहरे उतर जाऊं।